ये अचार का थोड़ा बहुत सामान है, देख लो मैं झाड़ू भी अच्छे हाथ से लगा लेता हूँ, थोड़ा बहुत खाना भी बना लेता हूँ, सफाइयां भी कर लेता हूँ, बिस्तर भी कर देता हूँ, पानी भी बाहर से लेके आ जाता हूँ, और भी घर के जो काम होते हैं वो सारे कर लेता हूँ। इसलिए मेरे घर वालों से अपील है उन मेरी शादी करा दो। Hey guys, Assalamualaikum, once again, welcome back to another new video. धुंध वगैरह आप लोग चेक करो आज कितनी ज्यादा सर्दी है, और मैं तो बस भाई इस खोते को इतनी सर्दी में बाहर लेके आया हूँ, इसको आराम नहीं आता इतनी ज्यादा सर्दी में, इसको पोटी छोटी आ जाती है, बहुत ज्यादा सर्दी है यार। आज मौसम भी कुछ ऐसा बना हुआ है कि मतलब बादल वगैरह बने हुए हैं तो धूप का कोई सीन ही नहीं है। इतनी ज्यादा सर्दी में मेरा तो दिल ही ना करे बिस्तर से बाहर आने का, लेकिन इसकी वजह से मैं बाहर आता हूँ, इसकी वजह से सुबह सुबह मुझे उठना पड़ता है। ये अगर मैं ना उठूँ तो ये दरवाजे के ऊपर हाथ लगाना शुरू कर देगा या अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर देगा, मन्नू बाहर ले जाओ। चलिए कार आ जा, ये फ्री हो गया अब, चल आ जा, चलिए आ जा, जा 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 जा, डंगर है इधर आ, चल आ जा, आ जा 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 जा, चलो 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 चलो। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी है। अभी हमने नाश्ता किया और मेरा दिल का पानी भर लो, पीने वाला घर में पानी खत्म हो गया, सर्दी में इतनी ज्यादा सर्दी में यार मेरी तो मुझे तो मौत नजर आती है। ये पीने वाला पानी भरा हुआ है, किचन वाली भरते हैं, इतनी है कि मतलब एक दिन निकल ही जाएगा आसानी से। ये चार बोतलें, एक गैलन और एक बाल्टी, पहले मैं बोतलें भरूंगा, उसके बाद गैलन, और उसके बाद अगर बाल्टी पे दिल हुआ तो भरूंगा, लेकिन इसके बगैर गुजारा हो ही जाएगा। गैलन थोड़ी बहुत भारी होती है, बाकी तो कोई मसला नहीं है। हमारा छत आप लोग चेक करो, काफी ज्यादा गंदा हुआ पड़ा है, इस गंदगी के पीछे भी एक रीजन है, ये वाली मिट्टी, ये वाली मिट्टी, ये वाली मिट्टी, ये वाली मिट्टी, सारी जो आपको टाइल्स नजर आ रही है, ये वाली छोटी छोटी ईंटे, ये सारा कुछ मैंने अपने हाथों से जगह जगह पे रखा हुआ है। इसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ, लेकिन मैं सोच ये रहा हूँ कि मतलब सर्दी भी काफी ज्यादा है, सफाई भी मैंने करनी है, फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने अभी सफाई ना की तो बाद में मैं कैसे सफाई करूंगा, और फिर सोचता मैं ये हूँ कि तबीयत पहले मेरी बड़ी ज्यादा खराब है, नजला जुकाम नली वगैरह रुक नहीं रही, अगर मैंने सर्दी में काम किया तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, करना तो फिर भी मुझे ही पड़ेगा। खैर ये सारी चीजें मैंने रखी इसलिए क्योंकि जब बारिश आती है कमरों में ना छत से पानी टपकता है, तो यार वो पानी नीचे नहीं गिरता, वो सीधा जाके दिल पे लगता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, टूट के रह जाते बसेगा, तो इसलिए मैंने जिधर जिधर से मतलब ज्यादा पानी नीचे गिरता ना उधर उधर मैंने मिट्टी रख दी है, और टाइल्स वगैरह रख के और ईंटे रख के ना मतलब काम मैनेज कर ही लिया मैंने। जल्दी जल्दी से ये सारा काम खत्म करते हैं, ऊपर की सफाई सारी करते हैं, उसके बाद नीचे जाके मैनेज करना है पौधे जो हमारे घर में लगे हुए हैं, उनकी ना क्यारी बनानी है, उसके बाद गोडी करनी है, पंजाबी में तो गोडी कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब मट्टी को पलटना है, तो जल्दी जल्दी से करते हैं। चलो भाई ये सारी टाइल्स को पहले साइड पे लगाते हैं, उधर रखते हैं सही है। ये वाली ईंटें हमने इधर इसलिए रखी हुई है क्योंकि हमने नीचे बनाना था, वो मुर्गियां थी ना पहले तो उनका बनाना था मतलब छोटा सा घर, तो अभी जो मुर्गियों का जिबा काट दिया तो इनकी जरूरत ही कोई नहीं है, या इनको नीचे ले जाऊंगा या किसी और खाते में काम आ जाएगी। उसके बाद ये ईंटें, फिर ये मिट्टी को झाड़ू के साथ साइड पे काट देंगे, मतलब सफाई कर देंगे सारी। बाय द वे हमारे पीछे आप लोग माहौल चेक करो, पूरा खुलम खुला माहौल है, इधर से इतनी ज्यादा वो गीदड़ होते हैं ना रात को जो बोलते हैं ना, इसकी इतनी ज्यादा आवाज आती है, इधर आए होते हैं, इधर इधर घूमते होते हैं सारे, कू लगे होते हैं सारी रात। ये एक टाइल को पकड़ के दरमियान में रखते हैं, इसके ऊपर बाकी सारी टाइलें रख के, तो जब इकट्ठी होगी तो इधर से उठा के रख देंगे उधर, ठीक है। सर्दी की वजह से हाथों की हालत चेक करो, बोम रहेगी इनकी। इधर आ, बाकी इस खोते को मैं ऊपर लेके आया हूँ क्योंकि मुझे नीचे बैठ के देख रहा था, फिर मैंने सोचा कि इसको भी ऊपर ले आए, इधर आके ना पीछे लगा रहता है इधर, वो देखा उधर कुत्ते भौंक रहे हैं, उधर उधर भौंक तो नहीं रहे मतलब खड़े हैं, तो उनकी तरफ देखता रहता है या उनसे लगा रहता है अपनी जुबान में, मुझे नहीं पता अब क्या कहता है। जैकी ओए ओए इधर आ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फुल एंड फुल जहाज है पूरा ये, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तिद्दा सोने ही, तिद्दा सोने ही, तिद्दा सोने ही, थोता
कोई बात नहीं चाहिए। अभी इन चीजों के बारे में, इन चीजों को उठा के फिर उठाते हैं ये ईंटे और बाद में झाड़ू फेर देंगे, मतलब साफ सुथरा हो जाएगा तकरीबन। हम लोग ज्यादा ऊपर आते तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी खैर है, सफाई नहीं ईमान है। वो वाली सफाई नहीं होती, वैसे वो दूसरी सफाई होती है। निस्फ ईमान की सफाई वो होती है बंदे का अंदर अपना साफ हो, मतलब वो वाली सफाई होती है निस्फ ईमान। कहीं पे सुना था, पता नहीं टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे सुना था, वो कहते हैं कि दिल अगर साफ ना हो तो भी मालिक ले किया कबूल नहीं करता। पाक होवे ते पाक मिलता ही, बिना पाको पाक नहीं मिलता। सारे वजूद दे तौन दे नालों इको तौला है टुकड़ा दिल का। इधर अक्सर असल में होती है बिल्लियां बैठी होती, तो उनके पीछे भागता रहता है। ये देखा अभी भी सूंघ रहा है उधर से कोई चीज। ये खोता खोता, मैं तुम छटा मारनी है तेरी तोड़ पाट ना के मैं मार मार के। ये हमारी हीरो को पता नहीं क्या मसला, कंटेंट क्रिएटर के काम में हलल पैदा करती रहती है। मतलब यार इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर छत पे आके कंटेंट बना रहा है, नीचे से मुझे कहती है कि कूड़ा नीचे फेंक दो। मतलब कुछ भी। सारा कुछ मैंने इधर से उठा दिया, अभी ना इसके ऊपर झाड़ू लगा देते हैं। देख लो मैं झाड़ू भी अच्छे हाथ से लगा लेता हूँ, थोड़ा बहुत खाना भी बना लेता हूँ, सफाइयाँ भी कर लेता हूँ, बिस्तर भी कर देता हूँ, पानी भी बाहर से लेके आ जाता हूँ, और भी घर के जो काम होते हैं वो सारे कर लेता हूँ। इसलिए मेरे घर वालों से अपील है, उनसे मेरी शादी करा दो। जाके चलिए थले जाने, आ जाओ। अभी उधर जाके रुकेगा, उसको पता मैंने उधर से उसको उठाना है और मामू के घर से नीचे लेके जाना है। चोई साहब तू तो मेरी बेइज्जती कराते तुले है, आ जा चलिए। ओए आ जा, इसका दिल नहीं कर रहा नीचे जाने का, देखा इधर आके रुक जाएगा अभी। शाबाश। रहने तो यार इसको ऊपर, या इसका दिल नहीं कर रहा नीचे जाने का। मैं चला हूँ थले, आज ही अपनी बात देखो दिया कमिया दे या मसली। ये वाले पौधे जिनकी हमने करनी है गोडी, गोडी करने से ये होता है कि मतलब इनकी ना ग्रोथ बड़ी जल्दी जल्दी होती है। ये कल थोड़ी बहुत हीरो ने की थी, ने अपने मतलब हिसाब से की थी ना, मतलब थोड़ी थोड़ी की है ना, इसलिए अपने हिसाब से करनी पड़ेगी ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं यार हमारा हीरो कहता है कि रहने दो, क्योंकि मैंने अभी अभी सफाई की है तो तुमने फिर गंद डाल देना, मतलब उससे गंद नहीं पड़ना तो और क्या पड़ना है, वो पौधे खराब हो रहे हैं। तो कहती है कि गंद पड़ जाएगा इसलिए रहने दो। तो फिर हमने बोला कि हमें क्या काम करने की जरूरत है, रहने देते हैं, हड्डा की जाना है। आज सर्दी इतनी ज्यादा, फिर भी मैंने नहाना है क्योंकि मुझे काफी दिन हो गया मैंने नहाया ही कोई नहीं, सारा ऐसे मेरा जुड़ा हुआ है, फिर मैंने इसलिए सार नहीं, मतलब बाल जो है ना ऐसे आपस में जुड़ गए हैं। तो वो उस दिन नहाया था जब मैं बीमार हो गया था ना, तकरीबन 5-6 दिन हो गया, वही कपड़े मैंने पहने हुए, नहीं कपड़े मैंने चेंज किए हैं, इसलिए ना जल्दी से यार नहा लेते हैं क्योंकि फिर बैठ जाएंगे बिस्तर में, फिर बैठ के एडिटिंग कर लेंगे। तबीयत अभी भी मेरी खराब है। ये देख लो मैं कपड़े भी अच्छी तरह प्रेस कर देता हूँ, और क्या चाहिए बंदे को। Few moments later. फाइनली शावर ले तो लिया मैंने, लेकिन मसले वाली भी ये बात है, अब तबीयत खराब ना हो जाए। है कोई नहीं, गर्म पानी था लेकिन फिर भी सर्दी तो सर्दी है ना, है बेशक गर्म पानी, वो गर्म उस हद तक रहता है जब तक आप वॉशरूम में रहते हो, बाद में इतनी ज्यादा सर्दी दुगनी लगने लग जाती है, जब गर्म पानी से नहाए ना तो ज्यादा सर्दी लगना लग जाए। तो इसलिए मैं गर्म पानी से नहा के आया और मुझे अभी तक सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा। ट्राई करते हैं अगर लकड़ियां वगैरह, लकड़ियां पड़ी तो ही है छत पे, लेकिन जो है ना उनकी कटाई करनी है ना, वो कटाई करने में तो मसला है, तो छत पे चल के लकड़ियां लाते हैं, उनकी आग जलाते हैं। उससे पहले जाता हूँ मैं किचन में, हीरो हमारा काम लगा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे ख्याल से अचार आज हमारे घर में बांध रहा है, तो देखते हैं चल के। वो ये अचार का थोड़ा बहुत सामान है, ये है मूलियां और ये है लीमू और ये मिर्चे और जो होता है मतलब उसको क्या कहते हैं यार, गोल गोल
आम, हाँ आम अब आज ले आएंगे, आमले भी बड़े हुए हैं घर में, वो भी काफी ज्यादा हैं, तो इन सबको मिक्स करके ना अचार बना लेंगे। अचार मजे का बनाती थी मेरी अम्मी, वो उनका अचार जो था मतलब पता नहीं कैसे बनाती थी, बड़ा मजेदार होता था, सबको ही पसंद आ जाता था, लेकिन अब अम्मी भी नहीं रही तो इसलिए हमारा हीरो अचार बना रहे, जिंदाबाद हीरो। कल मैंने व्लॉग कोई नहीं था बनाया फिर, इसलिए आज वीडियो अपलोड कोई नहीं की, मतलब अभी सुबह से लेके अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा काम करूँ, जिससे मतलब 8-9-7-8 मिनट का व्लॉग ना आज का बन जाएगा। अभी हो रहे हैं 1, तो मैं बस नमाज पढ़ने जाऊंगा, इसलिए ना फिर मेरे ख्याल से तकरीबन 7-8 मिनट का आज तो बन ही गया होगा। अभी नमाज पढ़ के आगे दोबारा इधर से दूसरा व्लॉग शुरू करेंगे, इसलिए आज के व्लॉग को फिर मैं यही पे एंड करता हूँ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी से कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।